बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग की ऑटो कोर्स सिलेक्शन हुई होती है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप लोगों ने आगे सेंकर जिनसो उन सारे सेमेस्टर में खुद कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों को कोर्स सिलेक्शन का नोटिफिकेशन आता है या मैसेज आता है आपके नंबर पे या जहाँ से भी आपको पता चलता है कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई है, देन आप लोगों ने फ़ौरन जो है वो कोर्स सिलेक्शन कर लेनी होती है, ठीक है। तो मैं आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो गाइड करती हूँ, बताती हूँ कि आप लोगों ने कौन से जो है कोर्स सिलेक्शन के दौरान कोर्स उठाने हैं, कौन से नहीं उठाने हैं, क्या करना है, कैसे करनी है, वो सारा कंप्लीट मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और जो है कोई भी क्यूरी हो आप लोगों की वो लाजमी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा, और चैनल का लाजमी आप लोगों ने विजिट करना है, ठीक है। चैनल को जो है वो विजिट करें, आपसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है उसे लाजमी फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। सो जैसे आप लोग की स्टडी स्टार्ट होती हैं, असाइनमेंट्स आती हैं, क्यूज़ आता है, जीडी भी जो भी होते हैं उनके सभी के सलूशन भी मैं डालती हूँ चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इससे यही फ़ायदा होगा कि आप लोग जो हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और साथ के बेल का आइकन है ना, इसको लाजमी प्रेस कीजिएगा, बेल के आइकन पर प्रेस करके आर पे प्रेस कर लीजिएगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग को वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी ऑलरेडी जो है असाइनमेंट्स और कुछ कोर्सेज के लेक्चर्स भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप लोग बहुत हेल्प होने वाली है, तो लाजमी जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और 9th 10th के और फर्स्ट ईयर सेकंड सभी के गेस्ट पेपर्स जो आप लोग पेपर होते हैं उनके गेस्ट पेपर्स भी मैं बताती हूँ, अगर आपके छोटे बहन भाई या रिलेटिव्स में हैं तो आप लाजमी उनके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, ठीक है। और आप लोगों का तो फ़ायदा होना है, स्पेशली चैनल मेरा व्यू से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग सभी इसमें जो मैं आप लोग की हेल्प करती हूँ, तो कोई भी आप लोग को स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोर्स सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप है वो भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है चैनल के ऊपर, तो आपको स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई क्यूरी है आप लोगों की तो आप व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने पेड सब्सिडी लेनी है LMS हैंडल करवाने की, या फिर आप लोगों ने कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाना है किसी भी लैंग्वेज का, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और जॉब होल्डर्स के लिए एक्टिविटीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तो आप पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। सो जो है वीडियो को लाइक अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो अब हम अपने मेन टॉपिक की जानने जाते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे आप लोगों ने, ठीक है। सो अभी ये इस भाई की मैं कोर्स सिलेक्शन करने लगी हूँ, इन्होंने क्या किया हुआ था, इनके फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर था इन्होंने फाइनल पेपर नहीं दिए थे, तो इनका गेन से फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट होगा। पहले क्या होता था, जैसे कोर्स सिलेक्शन ओपन होती थी ना, तो आप लोग का यहाँ जैसे आप LMS ओपन करते थे तो यहाँ पे यानी कि शो हो जाती थी आपको कोर्स सिलेक्शन ऑटो पे ही, लेकिन अभी इन्होंने कुछ सिस्टम चेंज कर दिया है, आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है कि कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई है, तो आप लोगों ने खुद से यहाँ कोर्स सिलेक्शन वाले ये बटन इस पर कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करना है, तो देन आप लोग की यहाँ पर आप लोग को शो होगी कोर्स सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो पे नहीं, आप लोगों को यहाँ पे नहीं शो होगी, होम पेज पे, पहले होम पेज पे हो जाती थी। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक किया ना, तो कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यह देखो आप लोगों को यहाँ कोर्स सिलेक्शन जो है वो शो हो जाएगी, इनके कोर्स सभी जो हमने अभी स्टडी करने हैं ना वो शो हो जाएंगे। लेकिन आप लोग इन्होंने क्योंकि एक ही सब्जेक्ट VU001 इनका क्लियर हुआ, तो इस वजह से इन्होंने एक ही क्रेडिट अर्न किया है, बाकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है ना, जो आप लोग को जितने क्रेडिट मिले ना उतनी बुक्स उठा लिया करें, ठीक है। यानी कि अभी इनके 18 यहाँ पे इनको क्रेडिट मिले हैं, और जो है एक क्रेडिट इन्होंने अर्न किया क्योंकि इन्होंने पेपर नहीं दिए थे, तो VU001 एक ही इनका सब्जेक्ट क्लियर हुआ है, बाकी सभी इन्होंने फाइनल पेपर नहीं दिए थे, तो गेंस इनकी सभी की जो है ना वो कोर्स सिलेक्शन होगी सभी सब्जेक्ट की। तो मैं एक और चीज़ आप लोग को दिखाती हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, आप लोगों की ये कोर्स सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी की हूँ, एक स्टूडेंट की बल्कि मेरी कज़न की है, तो यहाँ पे इसका मैं कोर्स सिलेक्शन में आऊँगी ना, तो आप लोगों को ना कुछ जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया होगा ना, उनको कुछ डी या डी और सी और -B वाले ग्रेड वाले जो सब्जेक्ट है वो भी शो हो रहे हैं, तो आप लोगों ने उनको नहीं कोर्स उनको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये देखें Grade B, C, D इनको इनने सारे पास किए हुए हैं, ठीक है, किसी में इनका B आया है और किसी में C आया है, तो जो B और C वाले होते हैं ना, D वाले, वो यहाँ पे आप लोगों को इम्प्रूव कोर्सेज वाले यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको उठाएं, ये वैसे ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आप इनको उठाना चाहते हैं तो आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी पास है, इनको आप लोगों ने नहीं करना होता। अगर आप लोगों को ये इस तरह शो हो जाते हैं ना Grade B, न्यू कोर्सेज जो यहाँ पे न्यू कोर्सेज लिखा हुआ है ना, इसमें से आप लोगों ने सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अभी देखो इनके 18 क्रेडिट इन्होंने रन किए हैं, क्योंकि इनकी 6 बुक्स थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर की 6 इनकी क्लियर है, 18 क्रेडिट इनके कम्प्लीट हो गए, बाकी नेक्स्ट 18 इनको और मिले हैं। तो अभी इनको जो है ना, अगर लास्ट पे डिग्री कंप्लीट होने के बाद लास्ट पे अगर आपको लोगों को कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगता है ना, प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट्स होता है, तो उसमें अगर आप
एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगता है या कोई भी पर सब्जेक्ट आपका फेल हो जाता है, देन आप उसके साथ कोई यहाँ से डी कोर्सेज वाला प्रूव करना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। फिलहाल इनको कुछ नहीं आपने करना डिग्री कंप्लीट होने तक। ये आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे शो होंगे, इनको आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने न्यू कोर्सेज में से सेलेक्ट करना है। और दूसरी ये बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों का यहाँ पे सेमेस्टर नंबर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की इसकी बुक्स थी लेकिन इसको क्रेडिट 18 मिले थे ना, तो इस वजह से फिर ये सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो आपने पहले जैसे कि ये फर्स्ट की है, जैसे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की है ना ये वाली, तो आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर की, फिर सेकंड सेमेस्टर की जो बुक्स आ रही होगी ना वो उठानी है। ये नहीं है कि कुछ सेकंड की उठा ली, कुछ नीचे से थर्ड की उठा ली। पहले आप लोग सेकंड सेमेस्टर की पढ़ेंगे, और कुछ जो होती है ना एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है बुक्स, यानी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो थर्ड में हम वो बुक उठा सकेंगे, अदरवाइज नहीं उठा सकेंगे, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को दूसरे कोर्सेज में दिखाती हूँ। तो इसमें क्योंकि उसमें डी नहीं था दूसरे स्टूडेंट की जिसकी कोर्स सिलेक्शन करनी थी, तो इस वजह से मैंने ये वाले आप लोग को एलिमेंट्स दिखाया। तो इस तरह ये बटन सब ये जो एक्शन बटन जो होते हैं ये क्लोज होते हैं, इस तरह रेड आ रहा होता है, तो आप लोग ने इस पर क्लिक करके ना अभी इनके यहाँ पे ये सारी मैंने बुक्स सेकंड सेमेस्टर की उठा ली, एक फर्स्ट की, तो इनके 18 क्रेडिट के लिहाज से जो है ना वो कम्प्लीट हो गई है, ठीक है। एक दो 3 4 5 6 7 8 9 बुक्स इनकी हैं, क्योंकि बीच में दो जो है वो 1 1 क्रेडिट की है ना, इस वजह से, ठीक है। तो सिलेक्ट इसको ऑन करके आप लोगों ने यहाँ पे सेव कर देना। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। इन बातों का लाजमी आप लोगों ने ख्याल रखना है, डी वाले नहीं उठाने हैं फिलहाल के लिए। और इनका ये एक क्रेडिट कम्प्लीट हुआ है यहाँ पे। अब मैं ये 18 है तो 6 बुक्स में और सिलेक्ट करें, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी लाजमी है। अब इन दो में से जो है ना ये नॉन मुस्लिम के लिए होती हैं एथिक्स और इस्लामियात, तो 2 क्रेडिट्स एक ही हम उठा लेंगे, ठीक है, इस्लामिक 101। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा, अब देख लेते कितने क्रेडिट बन रहे हैं, 6 और 6 3 9 10 और 10 4 10 2 12 12 और ये 15 हो गए, 15 और ये 18 पूरे हो गए इसके, ठीक है। यानी कि इसकी कितनी बुक बनेगी, 1 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, क्योंकि एक ये 1 क्रेडिट की है और 1 2 की है। इस वजह से वैसे अगर 3 3 3 की होती तो 6 बुक्स बननी थी, ठीक है। तो ये मैंने अभी कर लिए पूरे क्रेडिट। आप लोगों ने कोशिश किया कर जितने क्रेडिट मिले ना उसमें जितनी बुक्स हो ना, 21 मिले तो 7 उठा लिया करें, 15 मिलते हैं 5 या 18 मिलते हैं तो आप लोग जो है ना वो 3 उठा लिए और 6 उठा लिया करें बुक्स, उतनी बुक्स लाजमी उठाया करें। तो इनको एक्शन बटन को ऑन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने सेव कोर्स सिलेक्शन कर देना। जैसे आप सेव कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं ना तो आप लोगों का ना यहाँ पे आ जाता है लोड सिलेक्टेड कोर्सेज को हमने लोड करना होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ये हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे तकरीबन 1 2 घंटे के बाद यानी कि इस तरह कोर्स जो है ना वो शो हो जाते हैं इस तरह से, जैसे इस एलएमएस पे है तो इस तरह बर आ रहे होते हैं, ठीक है। पहले तो हो जाते थे शो फौरन ही, लेकिन अब जो है ना ये इस कोर्स सिलेक्शन तक, जब तक कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट होती है तब तक ये बर रखते हैं, कुछ उससे पहले जो है वो ऑन भी हो जाते हैं। मतलब जब स्टडी सही कोर्स स्टार्ट होती है ना तब ये मतलब ऑन कर देते हैं सारे सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह बड़े आ रहे होंगे, टेंशन नहीं लेने की, पता नहीं क्या हो गया, ये खुद ऑटो खुद ही हो जाएंगे आप लोगों को शोज बड़े आ रहे थे। और फ़ौरन जो है यहाँ पे ये लोड नहीं होता, अभी देखो मैंने लोड करवाया ना, ये फ़ौरन लोड नहीं होगा, 1 2 घंटे लगेंगे, तो ये कोर्सेज जो सेलेक्ट किए हैं ना वो यहाँ पे ऑटो लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी कोर्स सिलेक्शन करनी है, और कोशिश करनी है कि डी वाले सी ड्राइव वाले डी वाले जो है ना वो ना आप लोग जो है ना वो उनको सिलेक्ट करना ही नहीं, बल्कि वो पास कोर्सेज होते हैं आपके, वो आप लास्ट में देखा करें, अगर कोई इम्प्रूव करना है एक आधा तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको इम्प्रूव करना, डी वालों को वो पास होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी जो है ना ख्याल रखना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आप लोग की बहुत हेल्प होने वाली चैनल से। तो आप लोग लाजमी जो है आप लोग की ये असाइनमेंट्स, क्योंकि एलएमएस में हैंडल करती हूँ तो फिर मैं अपने स्टूडेंट असाइनमेंट्स बनाती हूँ, उनकी वीडियोस बना देती हूँ, तो आप लोग की वो इस तरह हेल्प हो जाती हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स से जुड़ी और बाकी लेक्चर से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।